का डिटेक्शन हुआ और उसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये कल कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोम्मा रामकृष्णा, पोरेड्डी सुदर्शन रेड्डी और श्रीराम प्रसाद, ये तीनों को अरेस्ट करने के बाद इलीगल प्रिपरेशन एंड सेलिंग ऑफ क्लोन्ड फिंगरप्रिंट, जिसको कि ये लोग कॉलेजेस में यूज़ करते थे फैकल्टी मेंबर्स के लिए, जहां फॉल्स ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाकर JNTU ऑफिशियल्स को चीट करके ये लोग कलेक्ट इजी मनी कलेक्ट करते थे। इसका इम्प्लीकेशंस मैंडेटरी नॉर्म्स जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो का है 1:15, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और कॉलेज रिकॉग्निशन प्रोसेस में जो यूज़ होता है इस रेशियो का, उसके ऊपर भी इसका इम्प्लीकेशन है। ये 3 जो ऑफेंडर्स हैं, बोम्मा रामकृष्णा जो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है नरसापुरम वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, पी श्रीराम प्रसाद ये कोंडूरू मंडल कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, प्राइवेट जॉब करता है, और पो रेड्डी सुदर्शन रेड्डी जो वाइस प्रिंसिपल ऑफ विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एट बाटा सिंगारम हयात नगर रंगारेड्डी का रहने वाला है। इसमें एक मेन अक्यूज्ड गोपाल रेड्डी जो सेक्रेटरी ऑफ विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। टोटल प्रॉपर्टीज जिसमें जो सीज हुआ है उसमें 3 लाख रुपीज कैश और विजन टेक बायोमेट्रिक मशीन 2, एक ग्लू गन, 30 ग्लू स्टिक्स और 60 क्लोन्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफ 29 फैकल्टी मेंबर्स ऑफ विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ बी फार्मेसी। उसके अलावा 20 फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ बी फार्मेसी। ये टास्क फोर्स ईस्ट जोन को इन्फॉर्मेशन आने के बाद ये लोग तीन आदमी को इंट्रोगेशन करने पर पता चला कि जो अक्यूज्ड वन है रामकृष्णा, वो रेगुलर PhD कोर्स कर रहा है अभी और साइमल्टेनियसली साथ में एसोसिएट प्रोफेसर स्वर्ण आंध्रा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में काम कर रहा है। अक्यूज टू श्रीराम प्रसाद जो खुद कन्फेस किया कि वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और 2013 में BTEC करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में नोवा इंजीनियरिंग कॉलेज बाता सिंगारम रंगारेड्डी में 2014 से 2017 तक काम किया। उसके बाद ये रामकृष्णा हायर करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में JNTU ऑफिशियल में भी ऑफिशियल्स में काम किया। ये लोग बेसिकली फैकल्टी मेंबर्स का अटेंडेंस को ये फेक सिस्टम के द्वारा मार्क करते थे, जिससे कि 1:15 रेशियो जो है वो मेंटेन रहे। ये रामकृष्णा जो है ये टेक्निक ऑफ क्लोनिंग फिंगरप्रिंट ये इंटरनेट से सीखकर ये सब पूरा ये क्राइम किया, और इसके पहले वो अपने दूसरे दोस्त श्रीराम प्रसाद के साथ मिलकर नोवा इंजीनियरिंग कॉलेज और इसमें भी ये लोग आगे काम किए। इसमें कुछ नए इक्विपमेंट जैसे ये ग्लू गन और ग्लू स्टिक का भी ये लोग यूज़ किए हैं, और उसके में एक केमिकल जो है इथाइल विनाइल एसीटेट, इसको यूज़ करते हैं। हर फेक फिंगरप्रिंट के लिए 4000 से 5000 रुपीज़ का ये लोग चार्ज करते थे। ये लोग सब ये काम करने के बाद दूसरे कॉलेजेस में भी इसको जरूर बेचे हैं, लेकिन अभी हमारे पास उसका पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं है। रजिस्ट्रार JNTU से बात करने के बाद उनके कोऑपरेशन से और दूसरे कॉलेजेस में इसका कहां कहां मिसयूज हुआ, वो लोग हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। अभी एज ऑन नाउ विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बाटा सिंगारम रंगारेड्डी केवल इसका इन्वॉल्वमेंट है, और इसका जो मेन अक्यूज्ड है गोपाल रेड्डी, ही इज़ एब्सकॉन्डिंग। ये ऑलरेडी केस रजिस्टर हुआ सैदाबाद पुलिस स्टेशन में, FIR नंबर 378/2018 अंडर सेक्शन 419, 420, 468, 471, रेड विथ 34 IPC। इसमें हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि डेवलप करके इसमें PD एक्ट के तहत भी लोगों को बुक किया जाए। ये जो अच्छा काम हुआ हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से, इसमें हमारे एडिशनल DCP टास्क फोर्स श्री S. चैतन्य कुमार साहब के लीडरशिप में और उनके साथ उनके जो टीम है, इंस्पेक्टर K. श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर्स
गोविंद स्वामी, पी रमेश जी, श्रीनिवास रेड्डी और सी वेंकटेश, ये लोग सब मिलकर टास्क फोर्स के तरफ से बहुत अच्छा काम किए और हैदराबाद सिटी के तरफ से इन सबों को हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द एक्सेलेंट वर्क। थैंक यू।